आयोजित हुआ नववर्ष मिलन समारोह। सिमरा में नंदकिशोर सिंह पटेल नंदू मधु के द्वारा किया गया कार्यक्रम का आयोजन। सांसद सतना और वरिष्ठ पत्रकार भी सम्मानित। अमर पाठन रामपुर बघेलान के सभी पत्रकार प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को शॉल श्रीफल और फल स्मृति चिन्ह भेंट कर किया सम्मानित। मधु नंदू सिंह सेमरा के द्वारा रामपुर बघेलान विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सेमरा में नववर्ष मिलन समारोह सांसद सतना के साथ क्षेत्रीय पत्रकारों का सम्मान समारोह यहां पर आयोजित किया गया। उसमें मुख्य अतिथि सतना सांसद गणेश सिंह उपस्थित थे। वहीं आपको बता दें कि अध्यक्षता रामनगर जनपद सदस्य कालिका प्रसाद पटेल ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में अमर पाटन जनपद पंचायत अध्यक्ष तारा विजय पटेल, भाजपा महिला मोर्चा पूर्व जिला अध्यक्ष नीता सोनी, जनपद सदस्य नागेंद्र सिंह करमऊ, कनिष्ठ अभियंता अमर पाटन उमेश कुमार सिंह बाल्मीक और किरण सिंह, पूर्व सरपंच रमेश प्रसाद पटेल, पूर्व सरपंच रामायण सिंह पार्षद उपस्थित थे। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सतना सांसद गणेश सिंह ने कहा कि ग्राम पंचायत सेमरा की जनसंख्या 1000 से ऊपर है, इसलिए जिन गांवों में 1000 से ऊपर मतदाता की संख्या हो गई है वो सभी 26 जनवरी की ग्राम सभा में उनको निजी ग्राम सभा के लिए प्रस्तावित किया जाए। साथ ही कहा कि 2024 तक घर घर सभी को आवास के साथ ही उज्ज्वला गैस सिलेंडर भी यहां पर दिए जाएंगे और जिनका लिस्ट में नाम नहीं है उनका नाम भी जोड़ा जाएगा। जो ग्राम पंचायत की समस्या है वो जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। वहीं हम विकास के लिए पूरी ताकत लगा देंगे, ऐसा उन्होंने कहा। साथ ही कहा कि पत्रकारों का सम्मान ये बहुत बड़ा सम्मान है जो मधु नंदू के द्वारा किया गया है। मैं इसकी बहुत तारीफ करता हूं, इससे सभी पत्रकार भाइयों का सम्मान और विश्वास बढ़ता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पत्रकार भाइयों के द्वारा क्षेत्र की समस्या जिले से लेकर राजधानी तक पहुंचती है, ये भी बात उन्होंने कही। साथ में नंदू सिंह की तारीफ करते हुए सांसद ने सभी को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नंदकिशोर नंदू सेमरा के द्वारा मांग रखी गई कि रामपुर बघेलान के दक्षिणी क्षेत्र में कोई ऐसे उद्योग धंधे नहीं है जिससे यहां के युवाओं को रोजगार मिल सके, और मांग रखी कि रामपुर दक्षिणी क्षेत्र में नहर का पानी जल्द पहुंच सके जिससे कि लोगों की उपज अच्छी पैदा हो सके। साथ ही ग्राम पंचायत में गौशाला निर्माण कराकर किसानों की फसल बचाई जा सके। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत इटमा कोठार के देवरी में सड़क निर्माण की मांग, दुआरी से कोनिया कोठार मार्ग जोड़ना, असरार भूयान टोला सड़क मार्ग निर्माण, पंचायत बीदा से सेमरा को परिसीमा से अलग कर सेमरा को पंचायत बनाई जाए, साथ ही यहां का विकास तेजी से हो। नंदू सिंह ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए नववर्ष की बधाई दी। कार्यक्रम में पत्रकार सुधीर सिंह राठौर ने पत्रकारों को एकजुट होकर समाज के विकास के लिए कार्य करने को कहा, और साथ ही पुष्पराज कुशवाहा ने छोटे से गांव में इतने बड़े आयोजन की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करते रहना चाहिए। साथ ही साथ कार्यक्रम के आयोजक श्रीमती मधु नंदू सिंह पटेल के द्वारा सतना सांसद को भी सम्मानित किया गया। वहीं धीरू सिंह रेवा के द्वारा कार्यक्रम को संचालित किया गया। कार्यक्रम में पत्रकार सुधीर सिंह राठौर, सतीश शुक्ला, नागेंद्र सिंह, संदीप गुप्ता, प्रदीप शुक्ला, नदीम सौदागर आदि लोग उपस्थित थे। इस दौरान विजय पटेल, रामानंद पटेल सभी लोगों को स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया। साथ ही रीवा से चलकर आए पत्रकार सुरेश कनौजिया, कार्यक्रम का सफल संचालन करने वाले पत्रकार धीरू सिंह को शॉल श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया गया। इस दौरान सेमरा, बटखुदा, विदा, देवरी, इटमा, कोठार, असरार, ओबरी, शिवपुरवा, दुवारी, कोठार, कोनिया आदि लोग मौजूद थे। सतना जिले के सांसद सम्माननीय बड़े भाई साहब, लोकप्रिय सांसद सम्माननीय गणेश सिंह जी, कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े भाई साहब सम्माननीय रामनगर के जनपद सदस्य, सोसाइटी अध्यक्ष और बिजली विभाग के जो टेंडर लेते ठेकेदार जी ने गए, हमारे बड़े भाई साहब कालिका पटेल जी, बहन नीता सोनी जी और यहाँ पर विशिष्ट अतिथि के पर विराजमान सम्माननीय बड़े भाई साहब सुधीर सिंह राठौर जी एवं हमारे सभी पत्रकार भाइयों एवं यहां पर उपस्थित पिता तुल्य सभी बड़े बुजुर्गों, सभी हमारे भाइयों और सभी हमारी माताएं बहनें एवं प्यारे प्यारे बच्चों, संचालन कर रहे भैया धीरू सिंह जी और छोटे भाई हमारे नंदू भैया, आप सभी को मेरी ओर से हाथ जोड़कर सादर प्रणाम। भाई को बुलाया है
और हमारे धीरू भैया को बुलाया, सभी पत्रकार भाइयों को बुलाया है, बुला के आपने सम्मान के सम्मान करेंगे, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गरम गरम दो रोटी फुलका बना देती है पत्नी, पति खुश होता है। एक समय था ठंड रोटी खाने के लिए मजबूर थी नहीं, अब चूल्हा को देती देर रात के जरा कैसन जल, बच्चे स्कूल जा रहे, जिसके घर में गैस है तुरंत दो पराठे बन जाते कि नहीं बन जाते, बच्चा भी खुश। कोई अधिकारी कर्मचारी आ गया तो पहले तो अधिकारी कर्मचारी इसलिए नहीं जाते थे गरीब के घर में कि ना तो बैठने की जगह मिलेगी ना तो चाय मिलेगी, काहे को जाना, तो बड़े घर में चले जाते थे। अब वो अधिकारी कर्मचारी भी गरीब घर में पहुंच रहे हैं और उनको बैठने के लिए प्लास्टिक की कुर्सी मिल रही है, पक्की छत मोदी जी ने दिया है और तुरंत बन के चाय आ जाती है। तो अब गरीब का भी सम्मान